नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी आप सभी का शौर्य एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, कोरोना वायरस से, जिस कारणवश जितने भी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो नियमित रूप से चल नहीं पा रहे हैं। पूरा लॉकडाउन वाली परिस्थिति बनी हुई है। हमारी भी शौर्य एकेडमी की जो क्लासेस हैं वो नहीं चल पा रही हैं। उस कारणवश बच्चों को बहुत असुविधा हो रही है, जिससे हमने क्या किया है कि एक चैनल बना रखा है इस बार, और उसी पे हम कोशिश करेंगे कि मैथ का पूरा टॉपिक और रीजनिंग का पूरा टॉपिक कवर करें चैप्टर वाइज एक सीक्वेंस में। जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहला चैप्टर लिख रखा है संख्या पद्धत। अब संख्या पद्धत से जितने भी टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं या आ सकते हैं, उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं शून्यों की संख्या से, मतलब नंबर ऑफ जीरो से, या यूनिट डिजिट से आते हैं, इकाई अंक से क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं, सेसोल प्रमेय से, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आते हैं, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, गुणनखंडों की संख्या से क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर से, या फिर घातांक करणी विभाज्यता से क्वेश्चन आते हैं कि तीन से कटने वाली संख्याएं कौन सी हैं, या फिर नौ से कटने वाली, ग्यारह से, और फिर समांतर और गुणोत्तर श्रेणी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, उससे जितने भी हर टॉपिक से जितने टाइप से क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम देखेंगे, उन सबको सीखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसे जरूर दबाएं, ताकि अगर हम नेक्स्ट क्लास जब भी अपलोड कर दें, वैसे तो हर रोज हम क्लास अपलोड कर दिए करेंगे, लेकिन फिर भी जब भी क्लास आपका अपलोड हो जाए या हम खुद ऑनलाइन आ जाए, लाइव आ जाए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अटेंड कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं शून्यों की संख्या को। क्वेश्चन यहाँ से आता कैसे है परीक्षा में, तो आप एक चीज सोचिए कि जैसे यहाँ से अगर बोल दिया, एक सीरीज गया एक दो तीन चार और ये सौ तक गया, तो इसमें जो आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो आ जाते हैं इस तरीके से कि आप इसमें बता दीजिए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या इसका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर शून्य आता कहां से है, शून्य कैसे आएगा इसमें। किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी गुणा है तो आखिर उसमें शून्य कब आता है, कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है कि शून्य आता है। इसका मतलब कि अगर हम सोचे कि क्या हम दो में तीन से गुणा कर दें तो क्या शून्य आएगा, कोई ऐसी संख्या आएगा जिसमें शून्य होगा। दो तीन छ, और छ आया तो इस सिक्स में क्या कहीं पे शून्य है, नहीं। अगर हम यहीं पे ये लिखते हैं कि दो और गुणे चार, क्या शून्य आया, नहीं है, एक भी शून्य नहीं है इसमें। अगर हम इसको करें दो और गुणे पांच तो हमें शून्य मिलेगा, दो पांच दस, और दस में दाएं तरफ से हम देखें तो शून्य आया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दो गुणे पांच दे रखा है, वो तो एक सीरीज दे रखा है एक से लेकर के सौ तक का, और उसमें पूछा है कि बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो बाबू एक चीज समझिए कि शून्य की संख्या डिपेंड किस पे करेगी, ये सबसे पहले आप जान लें कि
अगर हम यहाँ के लिखे थे दो और गुणे पांच, आया था दस, जिसमें शून्य एक आया था, इसका मतलब कि एक बार दो और एक बार पांच आया था, एक जोड़ा बना दो और पांच का तो एक शून्य मिला। यदि हम दो बार दो और दो बार पांच लिखते हैं और इनका आपस में गुणा करें तो दो दूनी चार, पांच बीस, पांच सौ। यहां पे जोड़ा कितनी बार बना, यहां पे दो दो बार आया, पांच दो बार आया, मतलब यदि हम जोड़ा देखें तो यहां पे दो जोड़े बन रहे हैं। यहां पे एक जोड़ा बन रहा था दो और पांच का तो एक जीरो आया, यहां पे दो जोड़ा बना तो दो जीरो आया। यदि तीन पांच और तीन दो होगा, तीन जोड़ा यदि बनेगा तो फिर तीन शून्य आएगा। अच्छा, यदि हम जोड़ा नहीं बनाए, हम दो का संख्या बढ़ा दें, पांच का संख्या घटा दें, या फिर पांच का संख्या बढ़ा दें और दो का संख्या घटा दें, तो फिर जीरो किस पे डिपेंड करेगा ये देख लेते हैं। यदि हम लिख दें दो गुणे दो और गुणे पांच, तो शून्य कितना होगा, तो हम देख रहे हैं दो दूनी चार और पांच बीस, शून्यों की संख्या इसमें कितनी आई, सिर्फ एक। क्यों एक आई, उस एक ही आने का वजह यह था कि जोड़ा सिर्फ एक ही बना। यदि दो जोड़ा बना होता, एक पांच और होता, तो शून्य यहां पे दो आता, कोई भी प्रोडक्ट इसका आता तो शून्य दो आता। डिपेंड किस पे कर रहा है अब ये देखिए, शून्य, तो शून्य डिपेंड कर रहा है जो इनमें से कम आ रहा है। हमें एक चीज पता है, शून्य तभी आएगा जब दो और पांच दोनों होगा। दो और पांच रह के भी कितने जोड़े संभव हैं, शून्य उतने ही होगा। जैसे कि अगर दो और पांच यहां पे है तो फिर यहां एक ही जोड़ा बन पाया, इसलिए शून्य एक आया। यदि दो जोड़ा बनता शून्य दो आता, यदि तीन जोड़ा बनता शून्य तीन आता। जोड़ा बना क्यों नहीं, जोड़ा इसलिए नहीं बना क्योंकि पांच एक कम हो गया। पांच यदि और होता तो संभव था, एक और पांच यदि होता तो फिर और एक जोड़ा बनता, और एक और जोड़ा बनता तो शून्य जरूर बढ़ता। जैसे पांच दुना दस, दुना बीस, पांच सौ, सौ आता, और सौ आया मतलब डबल जीरो। तो यहां से हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि जिसकी संख्या पांच और दो में से कम होगी, शून्यों की संख्या उसी पे डिपेंड करेगी, जितना कम वाला संख्या होगा शून्य उतना ही होगा। जैसे बात जोड़े की है तो हम यदि सिंपल वे में समझना चाहें तो आप एक चीज समझिए कि हमारे देश का जो लिंगानुपात है वो है, पुरुषों का जो है वो 1000 पे प्रति 1000 पे जो फीमेल है वो है आपकी 943। तो यदि हम जोड़ा यहां बनाएं तो जोड़ा कितने संभव है, अगर 943 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं तो जोड़ा संभव है कि 943 लड़कों का ही होगा। किस पे डिपेंड किया, क्या 1000 जोड़ा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। जोड़ा बनेगा सिर्फ और सिर्फ 943, 57 लोग नहीं बनेंगे, जो कि योगी मोदी जी होते हैं। तो ये 943 जोड़ा ही संभव है, डिपेंड किया किस पे, जो कम था। ठीक, तो यहां से यदि हम समझना चाहें आप सिंपल वे में समझिए, इतना आपको पता हो गया होगा कि जिसकी संख्या कम होगी जोड़ा उसी पे संभव है बनना, और जोड़ा जितना बनेगा शून्य की संख्या उतनी ही होगी। अब इसमें एक से लेकर के सौ तक है, तो आप एक चीज समझिए कि अब हम इसमें चेक करें कि पांच और दो में कौन सा कम है।
तो जो कम होगा सुनने की संख्या उसी पर डिपेंड करेगी, जितना होगा उतना ही होगा, जो कम होगा वो जितनी बार होगा सुनने उतनी ही बार होगा। तो आप एक चीज समझिए, दो यहां तो है ही, दो इसमें भी दो बार है, अगर यहां पे आगे अगर हम जाएं तो 5 × 6 भी आया होगा, 6 में भी दो है, इसका मतलब दो 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 दो, अगर सिर्फ एक बार 5 आया तभी तक दो इतनी बार आ गया। सोचिए 100 में भी कई बार होगा, 16 में भी कई बार होगा, 64 में कई बार दो आया होगा। इसका मतलब कि अगर ये सीरीज गई है कंटिन्यू तो इसमें दो ज्यादा टाइम आया होगा और 5 कम टाइम आया होगा, और यदि 5 कम टाइम आया है मतलब शून्यों की संख्या डिपेंड करेगी 5 पे। तो जितनी बार 5 आया होगा उतने ही जोड़े बनेंगे, और यदि उतने ही जोड़े बनेंगे तो शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। तो हमें समझना ये है, बहुत ज्यादा चीज इसमें समझने के लिए है नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज आप समझ जाए यदि कि अगर कोई सीरीज, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, कि यदि कोई सीरीज कंटिन्यू गई है, यदि कोई कंटिन्यू कोई सीरीज गई है तो उसमें 5 की जो संख्या होगी वो कम होगी, बशर्ते कि वो 5 की सीरीज ना रहे। यदि 5 की सीरीज जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें 5 ज्यादा टाइम आया होगा, और यदि 5 ज्यादा टाइम आया होगा तो 2 उसमें कम टाइम आया होगा, और यदि 2 कम बार आया है तो जोड़ा उसमें 2 पे निर्भर करेगा। लेकिन यदि 5 की सीरीज छोड़ के कोई भी सीरीज गई है जिसमें 2 और 5 दोनों है, मौजूद है, चाहे वो 2 न रहे, 4 में रहे, 6 रहे, 8 रहे, 12 रहे, अगर कोई ऐसी संख्या है जिसमें 2 मौजूद है और कोई सीरीज गई है उसमें 5 और 2 दोनों मौजूद है, तो एकदम क्लियर है कि उसमें शून्यों की संख्या होगी और डिपेंड करेगी 5 पे। तो हम इसको यदि चेक करें तो हम जो जनरली चेक करते हैं वो आसानी से चेक कर सकते हैं, इस 100 में हम 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी 20 में हम भाग दे देंगे 5 से, कितनी बार मैक्सिमम जा सकता है, 4 बार। अब इस 5-4 में हम यदि 5 से भाग दें तो नहीं जाएगा, जितनी बार मैं जा रहा है जितनी बार संभव है उतनी बार भाग ले जाए, उसको आपस में जोड़ दें तो 20 और 4 कितना, 24। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें शून्यों की संख्या जो होगी वो 24 होगी। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको 100 ही लिख के दे, वो आपको कुछ भी लिख के दे सकता है उस सीरीज में, वो ले जा करके यहां से, और यहां से आपको वो 500 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस 500 में कंटिन्यू सीरीज गई है मतलब 2 ज्यादा टाइम आया होगा, 5 कम टाइम आया होगा, और यदि 5 कम टाइम आया है मतलब शून्यों की संख्या 5 पे निर्भर करेगी, 5 से पहले भाग देंगे, मैक्सिमम टाइम आपका भाग जाएगा 100 बार। नेक्स्ट टाइम हम इसी 100 में भाग देंगे 5 से ही, मैक्सिमम बार जो जाएगा वो जाएगा कितनी बार, 20 बार। अब इसी 20 में हम भाग देंगे 5 से, मैक्सिमम बार जाएगा 4, और इनको आपस में जोड़ देंगे तो 100, 120 और 124। तो 1 से लेकर और 500 तक का जो सीरीज होगा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें शून्यों की संख्या होगी 124। अब वो कुछ भी लिख दे, 120 लिख दे, 140 लिख दे, 80 लिख दे, 150 लिख दे, 1000 लिख दे, 5000 लिख दे, आप इसी पे आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आपका पहला टाइप कवर होगा। जरूरी है नहीं कि वो एक सीरीज ही लिखे, एक दो वाला ही, हो सकता है कि अगले टाइप में हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो 2 का सीरीज लिख दे, हो सकता है वो 3 का सीरीज लिख दे। इसका मतलब कि अगर 2 का सीरीज है तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले एक लाइन इसमें हम थोड़ा सा पढ़ जाए कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1, इसको लिख सकते हैं 4 को हम 2 × 2, इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। ये जाते 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 गया होगा और 2 × 50 तक गया होगा।
तो यदि हम सोचें, तो आप सोचिए, दो इसमें आया, दो इसमें दो बार आया, इसमें भी दो आया, इस तरीके से दो जाते जाते कितनी बार आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इधर भी आया, ये एक सीरीज में आया, और ये दो आया आपका कितनी बार, 50 बार आया है, कॉमन लिए हैं। तो आप एक चीज सोचिए कि आपका बचेगा क्या, एक गुणे इसमें से दो गुणे तीन, और ये जाते जाते 50 बार, मतलब दो आया है 50 टाइम। तो आप एक चीज सोचिए, दो का सीरीज है, दो 50 टाइम आया है, तो इधर बचा एक से लेकर के 50 तक, तो जाहिर सी बात है कि इस सीरीज में भी दो ज्यादा टाइम आया होगा। तो हम चेक किसका करेंगे, पांच का, कि पांच कितनी बार आया है। और पांच का हमें चेक करने के लिए हम सिर्फ इस 50 तक का चेक कर लें कि 50 में पांच कितनी, तो 10, और फिर इसी 10 में पांच से भाग दें तो दो बार। अब दो में जाएगा नहीं, तो हम सीधा इसी दो को जोड़ देंगे, 10 और दो कितना, 12। तो जो शून्यों की संख्या होगी इस सीरीज में वो हो जाएगी कितना, 12। जरूरी नहीं है कि वो दो का ही सीरीज लिखे, हो सकता है वो तीन का सीरीज लिख दे, हो सकता है वो सात का सीरीज लिख दे, किसी भी चीज का वो सीरीज लिख सकता है। अगर हम लिख दें तीन का, तीन गुणे छ, नौ, जाते जाते 180 तक, जाहिर सी बात है तीन इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, 180 तक गया है। तो तीन आया होगा कितनी बार, 3 × 6 = 18, मतलब तीन आया होगा 60 बार आया होगा। और यदि 60 बार आया है तो फिर हमारी जो सीरीज बचेगी वो बचेगी ऐसे जाकर 60 तक। और तीन 60 बार आया है, क्या ये हमें जीरो देगा, नहीं देगा, हमें जीरो देगा सिर्फ ये। और ये एक कंटिन्यू सीरीज है, तो इसमें दो और पांच में यदि हम ध्यान दें तो पांच कम बार आया होगा, और यदि पांच कम बार आया है तो पांच पे ही डिपेंड करेगा। तो हम सिर्फ इसी का चेक कर लें, 60 का 5 से तो 12 बार, फिर इस 12 में 5 से तो 5 × 2, 5 × 10, मैक्सिमम दो टाइम जा सकता है, तो 12 और 2 14। तो इस सीरीज में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। एक इस टाइप को देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम आ जाएं इस पे, अगले टाइप पे, तो अगला टाइप जो है वो एक पांच का सीरीज गया है, 5, 10, 15, 20, इस हिसाब से एक सीरीज गई है। तो इस सीरीज को यदि हम देख रहे हैं, तो आप एक चीज सोचिए कि पांच की यदि कोई सीरीज गई है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पांच और दो में जो ज्यादा टाइम आया होगा वो पांच ही होगा, दो ज्यादा टाइम आया नहीं होगा। और हमें मतलब सिर्फ उससे है जो कि कम टाइम आया हो। तो आप एक चीज सोचिए कि पांच की सीरीज में दो कम टाइम आया होगा। हम यदि चेक करना चाहें तो पांच को यदि हम देखें तो पांच इसमें है, पांच इसमें है, पांच इसमें है, पांच से साठ तक यदि हम जाएं, मतलब कि 5 12 बार आया होगा। पांच यदि 12 बार आया है, मतलब 1 × 2 × 3 ये वाली सीरीज गई होगी 12 तक। पांच ज्यादा टाइम आया है, ये शून्य हमें देगा नहीं, हमें डिपेंड करना पड़ेगा, होना पड़ेगा किस पे, दो पे। तो हम इस 12 को 2 से चेक करेंगे तो आएगा 6, इस 6 को 2 से भाग देंगे 3 बार, और इस 3 को 2 से भाग देंगे, मैक्सिमम एक बार भाग जाएगा, तो 6 × 3 = 9 और 1 = 10। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यदि कोई सीरीज ऐसी है जो कि 5 से बनी हुई है, 5 की कोई सीरीज जा रही है, तो फिर उसमें जो डिपेंड करेगा शून्य वो डिपेंड करेगा किस पे, दो पे। पांच की कोई भी सीरीज हो, अगर हम लिख दें कि 5 × 10 × 15 और ये जाते 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 अगर हम लिख दें 150 तक,
इसका मतलब क्या कि पांच जो है वो कितनी बार आया, पांच इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, 150 तक आया। इसका मतलब कि पांच जो है वो 30 बार आया, और यदि 30 बार आया है मतलब 1 × 2 × 3 ये सीरीज जो है वो 30 तक गया। जाहिर सी बात है 5 30 बार आया है मतलब ज्यादा टाइम आया है, 2 कम टाइम आया होगा। हम सिर्फ 2 का चेक कर लेंगे, 2 से यदि हम चेक करें तो 15 बार, फिर इसी 15 में हम 2 से भाग दे दें तो मैक्सिमम 7 बार जाएगा, इसी 7 में यदि हम 2 से भाग दे दें 3 बार जाएगा, और इसी 3 में यदि अब हम 2 से भाग देंगे मैक्सिमम 1 बार जाएगा। हम सिर्फ इन्हीं को आपस में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 और 7 22, 22 3 25, 25 और 1 26। तो शून्यों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 26। इन्हीं क्वेश्चन को वो क्या करता है कि फैक्टोरियल वाले फॉर्म में लिख देता है, जैसे कि नीचे इसको हम लिखे हैं तो फैक्टोरियल के फॉर्म में ये भी यदि अगर लिखा है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज सोचिए कि अगर फैक्टोरियल में कोई चीज होता है उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4। तो जाहिर सी बात है कि यदि फैक्टोरियल में वो क्वेश्चन दे रखा है कि आप फैक्टोरियल 120 में बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो ये एक सीरीज है और वो सीरीज है 1 × 2 × 3 ये जाते जाते गया है कहां तक, 120 तक। और यदि एक सीरीज गई है और कंटिन्यूस सीरीज है तो हम शुरू में ही बताए थे कि जब कोई कंटिन्यूस सीरीज जाएगी एक पांच के सीरीज को छोड़ के तो उसमें शून्यों की संख्या डिपेंड करेगा किस पे, पांच पे। तो इस 120 पे पांच से करेंगे कितनी बार, 24 बार भाग जाएगा मैक्सिमम। अब इस 24 को जो है कि नहीं पांच से भाग देंगे मैक्सिमम 4 बार जाएगा, इस 4 में भाग जा नहीं सकता है मतलब कि 24 और 4 28। तो इसमें शून्यों की जो संख्या होगी वो होगी आपकी कितनी, 28। अब एक चीज समझिए कि हो सकता है कभी कभी सीजीएल वगैरह क्या करता है कि इसको पावर के रूप में दे देता है, जैसे कि वो क्या करेगा कि लिख सकता है क्वेश्चन वो दे दिया अगर कि 2 × 2 × 2 5 5 × 5 5 5 5 और फिर लिख दिया 7 7 7 7 7। और इसमें पूछ देगा कि आप बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप एक चीज सोचिए कि हम अभी बताए हैं कि जिसकी संख्या कम होगी शून्यों की संख्या उसी पे डिपेंड करेगी, और जिसकी संख्या कम में भी जितनी बार होगी वही उतना ही शून्य होगा। अब आप एक चीज सोचिए 555 के पावर 555 और 222 के पावर 222, तो 222 का पावर 222 यदि है मतलब 222 बार आया है, 555 बार आया है, और 7 तो हमें 0 देगा नहीं, सिर्फ यही दोनों मिलके देंगे। इन दोनों में भी डिपेंड करेगा कौन, जो कम बार होगा। कम बार कौन सा है, ये 222 बार ही है। अगला चीज कि कम बार में भी जितना बार होगा शून्य उतना ही होगा, मतलब 222 का पावर 222 है मतलब 222 बार है, और यदि 222 बार है तो शून्यों की संख्या जो होगी वो 222 ही होगी। तो नंबर ऑफ जीरो इसका अगर हम देखें तो 222 होगा। तो यहां पे हमने कोशिश किया है कि आप शून्यों की संख्या सीखें पढ़ें, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ और यदि बचा है तो वो भी लेकर के आएंगे, और साथ में इकाई का अंक या शेषफल प्रमेय जो भी इनमें से रहेगा उन सबको कवर कराएंगे, टॉपिक वाइज कवर कराते चलेंगे। आप जो है कि नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव हो या कोई अगर टॉपिक पढ़ना हो या कोई नोट्स वगैरह चाहिए या क्वेश्चन न हो
तो उसके लिए आप जो है कि नहीं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 87 65 600 584 8765 600 584। आप इस पे व्हाट्सएप करें, सुझाव दें कौन सा क्लास करना है, और फिर हम रीजनिंग का भी बहुत जल्द कोई ना कोई चैप्टर लेकर के आएंगे आपके सामने। आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें और उसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये पहुंच सके। और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।